हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है गुज्जू चटाको। तो दोस्तों, अभी आ रहा है सावन, तो श्रावण में खाने की बहुत दिक्कतें रहती है कि क्या करें, घर में क्या बनाएं। तो इसीलिए हम लोग आज आए हैं श्रीजी फराड़ी सेंटर पे, जहाँ पे मिलती है साबूदाना खिचड़ी और बहुत सारे फराड़ी आइटम्स। तो चलिए हम लोग शॉप के ओनर से बात करेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए श्रीजी साबूदाना खिचड़ी के अंदर, श्रीजी फराड़ी सेंटर के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे स्टोर के ओनर कालूराम जी से। तो कालूराम जी, आपने कब स्टार्ट किया? सर, अपने को 15 साल हो गए यहाँ पे। 10 साल से मेरी बाहर स्टॉल था, फिर 5 साल से मेरी दुकान है अंदर। अच्छा, तो 10 साल से इसी रोड पे आपका बाहर स्टॉल? इसी रोड मेरा बाहर पहले स्टॉल था, 10 साल मैंने वहाँ रखा और फिर 5 साल से मेरी दुकान है अंदर। अच्छा, 15 साल हो गए सर। ओके, और अभी आपके वहाँ कौन कौन सी आइटम मिलती है जो सबसे ज्यादा? मेरी स्पेशल आइटम है साबूदाना खिचड़ी। ओके, मेरे पास 30-40 आइटम है उपास का, ड्राई आइटम। मतलब जो आइटम आप बेचते हो वो उपास, उपास में खा सकते हैं? सब भी उपास का, हरियाली आइटम है। हरियाली आइटम, और ये मेरा आइटम है इंदौर का। अच्छा, पहले मेरा बिजनेस इंदौर में था। ओके, तो फिर मैंने यहाँ चालू किया। तो बड़ौदा आने का कैसे सोचा फिर आप? ऐसे घूमने फिरने आया, देखा तो यहाँ कोई नहीं था। अच्छा, फिर बड़ौदा में चालू करने का विचार हो गया। तो दोस्तों, ये बात नोट किया जाए कि वडोदरा में फराड़ी सेंटर सबसे पहले, फराड़ी आइटम शुरू करने में सबसे पहले कालूराम जी का नाम आता है। तो कालूराम जी, आप हमें रेट बता दीजिए कि खिचड़ी का क्या रेट है? सर, अभी तो इसका है हाफ प्लेट का 30 रुपये, फुल प्लेट 50 रुपये और किलो का भाव है 200 रुपये। ओके, और आपकी शॉप कौन कौन से दिन ओपन होती है और टाइमिंग क्या? सर, अभी अपनी सोमवार से शनिवार तक सभी दिन चालू रहती है। सभी दिन चालू रहती है, और टाइमिंग क्या होता है? सुबह 10 से रात को 10 बजे तक। ओके, और हमने देखा यहाँ पे कि जोमेटो वाला भी अभी एक, हाँ सर, ऑनलाइन में भी है, जोमेटो में भी है अपना। ओके, तो दोनों जोमेटो स्विगी दोनों पर है? स्विगी में उसमें नहीं दिया, स्विगी में, क्योंकि गिराकी बहुत रहती है सर, इसलिए अभी एक में रखा हुआ है। अच्छा, जोमेटो में रखा हुआ। ओके, और एक बार एड्रेस बता दीजिए आपका। अपना है मेन रोड अलकापुरी, आरसी दत्त रोड। और ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? द्वारकेश कॉम्प्लेक्स है, जीए पेट। ओके, तो दोस्तों, हमने आपको एड्रेस तो उन्होंने खुद बता दिया है, हमने भी शुरुआत में वीडियो में बता दिया है लोकेशन कहाँ पर है। सो ज़रूर आइए यहाँ पर और टेस्ट कीजिए इनकी फराली आइटम। सो कालूराम जी, अभी आप भी हमारी खिचड़ी हमको खिलाइए, हम भी दर्शकों को बता दें कैसी लगती है। बिल्कुल सर, थैंक यू।
दोस्तों हम उनके एक पुराने कस्टमर हैं। सर जी आपका नाम? कंदर्प। कंदर्प जी, उनसे हम जानेंगे कि वो कब से आ रहे हैं और उनको क्या यहाँ पे स्पेशल लगता है। मैं यहाँ से पिछले 6-7 साल से एक्चुअली फराड़ी खिचड़ी खाने आता हूँ। ओके। और ऐसी खिचड़ी मैंने बड़ौदा में कहीं पे नहीं खाई है। ओके। क्योंकि ये अलग अलग मिक्स करके सब देते हैं, नींबू धनिया डाल के, मुल्का मसाला है वो डाल के देते हैं। अच्छा। तो वो मतलब स्वाद पूरा अलग ही आता है उसका। अच्छा। तो मतलब ये खिचड़ी उपवास के दिनों में काफ़ी जगह पर मिलता है, लेकिन ऐसा मिक्स करके और ऐसा स्वाद अभी तक मैंने बड़ौदा में, पूरे बड़ौदा में नहीं देखा है। अच्छा। दोस्तों ये खिचड़ी की प्लेट हमारी आ गई है, साबूदाना खिचड़ी। टेस्ट करके देखते हैं। नींबू की खटास आएगी सबसे पहले और उसके बाद आपको खिचड़ी का फ्लेवर्स आने शुरू होंगे। मसाला पता नहीं उन्होंने क्या स्पेशल मसाला डाला है, उन्होंने हमें भी बताया नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है। और एक बाइट। बहुत बढ़िया। नॉर्मली यहाँ पे मैं रेगुलर आता हूँ क्योंकि मैं उपवास भी उपवास थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। उस नो डाउट मैं पतला नहीं हूँ लेकिन मैं उपवास करता हूँ रेगुलर। तो सही में बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे खिचड़ी। वेफर्स है पूरा दिखा है कि यहाँ पे। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे उपवास में खाकरा भी मिलता है। आप गुज्जू हो तो आपको खाकरा तो पसंद ही है, तो उपवास का खाकरा भी यहाँ पे मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे खाकरा भी है। तो बहुत बढ़िया, उनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा है कि जो वेफर्स है उसमें कई सारे टाइप्स के वेफर्स है। चिवड़े में चिवड़ा है उनके पास, फरियाली, ये लाल मिर्च का वेफर है, तो कहीं पे काली मिर्च का वेफर है, बनाना, पोटैटो, कई सारे अलग अलग फ्लेवर के यहाँ पे इनके पास मिलते हैं। तो हाँ, फूलवड़ी, ये एक बात आप देखिए कि भाई फूलवड़ी भी फरियाली में आती है। कि नॉर्मली फूलवड़ी हम लोग शादी ब्याह में खाते हैं, लेकिन यहाँ पे फराली फूलवड़ी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक नंबर, सब बहुत बढ़िया है। टेस्ट तो एक नंबर है ही इनका। और ये लाड़ू, राजगिरे का लाड़ू बोलते इसको, बहुत बढ़िया था। साबूदाना चिवड़ा है यहाँ पे, साबूदाना चिवड़ा है। आप यहाँ पे देखिए, ये मीठा वाला है, ये तीखा वाला है। फिर ऊपर जाइए तो सोया स्टिक जैसा उनका ये सब आलू का ही है, आलू स्टिक ही है यहाँ पे। ऊपर थोड़ा ऊपर जाइए तो वेफर्स में उनका है, बिस्किट्स है यहाँ पे, आप कुकीज़, ये धनिए की वेफर है यहाँ पे, उसे जो मसाला ऊपर डाला हुआ है वो धनिए का है। तो इंदौर की स्पेशल है जो बड़ौदा में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको पूरा वन टाइप ऑफ, कि अगर आपका उपवास है तो यहाँ पे आ जाइए, आपको हर कोई चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आपका रिव्यू हमें दीजिए कि कैसी लगती है यहाँ पे। कालू भाई है यहाँ पे जो शॉप के ऑनर्स है, उनसे, उनको बताइएगा कि हम भी वीडियो देख के आए तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमारे वीडियोस देखे जा रहा है। हमारा चैनल का नाम तो आपको पता ही है, गुज्जू चटा को। दोस्तों यही चीज़ है कि रिव्यू तो हमने दे दिया, एड्रेस बता दिया और प्राइस भी उन्होंने बता दी कालूराम जी ने। तो अब आइए, अपने दोस्तों को टैग कीजिए, श्रावण महीना आ रहा है, जिसके जिसके उपवास है, जिसको ऑप्शन नहीं है, तो अगर यहाँ हो गए तो यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि क्या खाए और क्या ना खाए। सो दोस्तों हमारी चैनल है गुज्जू चटा को, जिसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और साथ में कोविड के बारे में फिर से एक बार बता दूं आपको, प्रिकॉशन पाले सारे, आपका जो भी मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और वो सारा मेंटेन करें, हाथ सैनिटाइज करते रहिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।